हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका साइन एंड अभी क्लासेस के छोटे से परिवार में। तो आज का जो चैप्टर होगा आपका, वो हमारा होगा क्लास 9 के नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5। यानी आज हम देखने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.5 में क्या कैसे होता है। इससे पहले हमने अपने जो वीडियो थे उसमें एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि कैसे भी किसी नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, कैसे हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर यानी हर को, यानी हर का परिमिकरण भी हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो अगर आपने अभी तक पिछला क्लास नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाकर पहले पिछले क्लास को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। याद रखना दोस्तों, अगर आपको चीजों को अच्छे से समझना है तो आपको पूरे लाइन से एक सीरीज से चलना होगा। मैं आपके साथ यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका कोर्स अच्छे से पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। आप भी मेरा साथ दीजिए, सारे वीडियो को अच्छे से पूरा देखते रहिए और साथ ही साथ अपने आप नोट्स खुद बनाते चलिए। आप किसी का नोट्स लेकर कॉपी करोगे तो आपको फायदा नहीं करता है जितना कि आपका बनाया हुआ खुद का नोट्स होता है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को खुद से बनाते हुए चलिए आगे। आशा करते हैं आप साथ साथ चलेंगे और हम दोनों अच्छे से पार करेंगे इस लेवल को। चलिए आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमको बताना है आइदर इस परिमेय यानी रेशनल और इरेशनल, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना है। तो सिंपल सी बात है यार, हमने अभी पिछले क्लास में अपने जो भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या ऐसी होती है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, राइट, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो बट्टे के रूप में, जो बाई के रूप में, जिसको आप जो कह सकते हो, भिन्न के रूप में होते हैं, वो सारी संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। बस नीचे वाली संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल समझने के लिए हमने किया। अपरिमेय संख्याओं को हमने एक नॉर्मल से पहचान पढ़ा था कि वो करनी में नहीं होना चाहिए, बाकी सभी पहचान होती है। पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। उसके अलावा हमने जो दशमलव का निरूपण करते हैं उसमें भी हमने पढ़ा था कैसे पहचानते हैं कि परिमेय का कौन सा दशमलव है, अपरिमेय कौन सा है। बट हमको अभी इतना ध्यान रखना है कि जो संख्याएं अंडर रूट हो, जिसका स्क्वायर रूट नॉन निकलता हो, और दूसरी वे संख्याएं जिसको पाई के साथ हो, वे सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 - √5 परिमेय है कि अपरिमेय है। यार सो इजी, क्या कह दिया, रूट दिखा आपको। जी हाँ, रूट दिखा। तो अगर कोई अपरिमेय संख्या, इसमें से कोई भी संख्या घटाते हैं तो आंसर भी अपरिमेय ही आने वाला है। यानी जो फर्स्ट आपका हो गया वो क्या हो गया, अपरिमेय। यानी आप सिंपल से लिख दोगे इरेशनल नंबर, यानी आपका जो फर्स्ट नंबर है वो कैसा है, इरेशनल। सेकेंड, 3 + √23 - √23। अब इसको अगर देखा है तो सॉल्व करने के लिए है तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहां से चेक करूं तो यहां पे आ जाएगा 3 + √23 रूट में, अब -23 से 23 क्या हो गया, कट आउट हो गया। अब मेरे पास जो आया आंसर कितना आ गया, 3। और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला परिमेय संख्या है, अपॉन होती है, बट्टे के रूप में होती है, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, ये भी है बाबू, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस तरह से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं, इसलिए इसको हम बोला परिमेय संख्या, यानी कि यह हमारे पास है रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन, इसको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, 2 √7 और यहाँ पे 7 √7, 7 से 7 डिवाइड हो गया, बचा क्या, 2/7। और हम जानते हैं ये हमारे पास कैसा है, परिमेय संख्या। यानी मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया, इसके आगे लिख दिया। ये कैसी है, अंडर रूट में है, कुछ नहीं सोचना, अपरिमेय संख्या। डायरेक्ट आप लिख सकते हो अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं, पाई ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में किसी से मल्टीप्लाई हो गया तो आना तो अपरिमेय ही है, तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, बस आपको बताना था कि अपरिमेय है कि परिमेय है। सेकेंड क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है, सरल करना है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका निकालना है, कैसे निकालोगे। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 + √3, 2 + √2। अगर मैं देखूं सारे नंबर अलग हैं, ए बी सी डी सारे अलग है, हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट में, यानी 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में। चलिए पहले क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं, 3 + √3 है और यहाँ पे है 2 + √2। क्या होता है, पहले का पहले से मल्टीप्लाई, यानी पहले का दोनों में होता है, तो 3 × 2 = 6, प्लस है प्लस है प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 से, तो 3 √2। देन सेकेंड का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 √2।
3 और सेकेंड का सेकेंड में, तो रूट 3 में रूट 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट 6। चेक कर लो, ये 6 हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं बाबू तो जोड़ेंगे नहीं, रूट 2 है रूट 3 है, सेम वही उतार दो, यानी कुछ करना नहीं है, आपका जो आंसर हो गया वही, यही पे आंसर आपका खत्म हो जाता है। यानी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नॉर्मल से बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐड होना नहीं, कुछ सेपरेट होना नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 3+√3 और 3-√3। चेक करते हैं तो हमको मिलता है ये ए, ये मिलता है बी, सेम डिजिट, तो इसको भी ए रखेंगे, इसको भी बी रखेंगे, तो बीच में प्लस था माइनस था नहीं, फॉर्मूला हमको क्या मिल के आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और हमने पढ़ा हुआ है पहले पिछले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ना, तुम इसे पूछते हैं, अरे इधर ना देखो, जल्दी बताओ क्या होगा, जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही काम करो यहाँ पर भी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 3, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, यानी आंसर कितना आ गया 6। यानी इसकी जो आंसर वैल्यू निकल के आती है हमारे पास हो गई 9 - 3 यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। यही तो था हमारा फॉर्मूला, इसीलिए बोलते हैं बाबू पिछला क्लास को देखते चलोगे तो याद रहेगा। तो फॉर्मूला आ जाता है, तो मेरे पास तो ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, तो सॉल्व करना है तो फॉर्मूला तो रख दिए, क्या है ए, फॉर्मूले में ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है, सिर्फ ए की वैल्यू 5+2 रूट में ए बी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 है, ये 5 और 2 कितना हो गया 7 और ये हो गया 2√10, ये इसलिए सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। यानी जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट कर दो, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, फिर वही काम, इसको ए माना, इसको बी माना, फिर यही सेम है, तो ए हुआ बी हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला तो वही है, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 माइनस हुआ 3 आंसर। यानी इस तरह से हमारे जो दोनों क्वेश्चन थे वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए, आसान था यार, आसान था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, यानी कोई पाई वृत्त परिधि मान लेते हैं सी है, चलो लेट इट गो, और उसके व्यास मान लीजिए डी है, मान लेते हैं उसके व्यास को डी मान लेते हैं, यानी परिधि को हमने माना सी, उसके व्यास को हमने माना डी। तो कह रहा है कि इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं दिया है कि पाई बराबर सी अपॉन डी, थर्ड क्वेश्चन है। अब कह रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, अंतर विरोध का निरूपण आप कैसे करेंगे, अरे यार कोई अंतर विरोध प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों, क्योंकि जब हम पाई को कहते हैं अपरिमेय संख्या तो ये सी अपॉन डी जो आप निकालते हो, तो ये जो वैल्यू आप निकालते हो ना वो सन्निकटन मान होता है, यानी आप डिवाइड करते हो जो दशमलव में आएगा तो उसको आप सन्निकटन 22/7 अगर देखा जाए तो 22/7 लिखते हैं ना, तो ये 22/7 यानी सिंपल से दूसरी बात हम समझा सकते हैं, पाई की वैल्यू आप लिखते हो कहते हो 22/7 होती है 22/7। तो क्या इस आधार पर यह पाई को हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर ये पाई और परिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या है, तो इधर परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, राइट। तो हम ये बोलेंगे बाबू जो ये पाई का जो वैल्यू आप लिखते हो ना वो आप उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखते हैं 3.14 समथिंग समथिंग, ये आगे बहुत लंबा होता है, आ रही बात समझ में, इसी को हम सीधा सीधा लिख देते हैं 22/7।
ये इसकी रियल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या कहते तो है, लेकिन जो पूरी पाई की वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा है, कोई अंतर विरोध नहीं होता है, जो वैल्यू होता है आप इसको शब्दों में लिखोगे, यहाँ पे कोई अंतर विरोध नहीं होता है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है उसको हम सन्निकटन मान में लिखते हैं, लगभग में लिखते हैं, जबकि 22/7 पाई का असली मान नहीं होता। आगे बात समझ में। तो ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिपीट करना है 9.3 के। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा भी ब्रेक करते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पूरे को कैसे बताएंगे कि कैसे नंबर लाइन पे निरूपित करते हैं। फाइव क्वेश्चन, हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हर का परिमेयकरण करते हैं एंड रेशनलाइज करते हैं। टेक योर टाइम एंड नोट इट। चलिए आई थिंक हो गया होगा, रेस करते हैं। हर का परिमेयकरण करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 1/√7, इजी है यार, क्या करोगे, 1/√7 है, परिमेयकरण करना है, रूट सेवन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमने पढ़ा था पिछले ही वीडियो में परिमेयकरण कैसे करते, पिछला वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है तो। ये हो गया √7 और √7 से √7 का मल्टीप्लाई हो गया तो 7, यानी ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन 1/√7 - √6। अरे यार इसको भी तो हमने किया था, कैसे हो गया 1/√7 - √6। क्या बोला था हमने पिछले क्लास में इसके बारे में, कैसे परिमेयकरण करते हैं, अरे बोलो ना कि जो नंबर होता है सेम नंबर होता है अपोजिट साइन के साथ गुणा कर देते हैं। तो √7 माइनस था तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो ये वैल्यू आ गया आपका √7 + √6 मल्टीप्लाई होगा a - b a + b। क्या होता है a² - b² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया था तो √7 + √6 और नीचे 7 हो गया, √6 का 6 हो गया, यानी मैं लिख सकता हूं √7 + √6 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी वैल्यू निकल के आ गया √7 + √6। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि 1/√5 + √2। यार अब तो ये सेम क्वेश्चन है, कर दो ना √5 + √2। क्या करोगे, सेम डिजिट से बस साइन को उल्टा कर दो, माइनस हो जाएगा प्लस के जगह पे, यहां पर भी निकल के आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए भी कर देंगे a² - b² यानी √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया √5 - √2 और नीचे 5 - 2 यानी आ गया √5 - √2, नीचे आ गया 3। ऊपर वाला माइनस नहीं करेंगे बाबू, मालूम है ना। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1/√7 - 2 हो गया यार, 1/√7 - 2 साइन को बदल देंगे √7 + 2, ऊपर भी √7 + 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो हो जाएगा √7 + 2, नीचे a² - b² यानी √7 का स्क्वायर - b² यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे √7 + 2, नीचे हो जाएगा 7 - 4 यानी हो जाएगा √7 + 2 और नीचे आ जाएगा 3, ये इसका आंसर। इस तरह से ये आपके चार क्वेश्चन थे जिसको हमने क्या करना था, नॉर्मल सा रेशनलाइज करना था, परिमेयकरण करना था, जिसको हमने अपना परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 1.5 भी क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा वो होगा एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम अपने घातांक के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे घातांक का नियम अप्लाई होता है, कैसे क्या करते हैं, अगला वीडियो और वो आपका लास्ट वीडियो होगा इस क्लास का। उसके बाद जो हमको पढ़ना होगा आपका नेक्स्ट लेसन, बहुत ही प्यारा लेसन होता है पॉलिनोमियल, उसको पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारे वीडियो को, और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप
अपने जो भी प्रॉब्लम को पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप हो जाएगा जिसमें आपके क्लास के बच्चे होंगे, आपको जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले इंट्रोडक्शन क्लास। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ गुड डे।